देखिए, कल के वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मुझसे सवाल करा है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पूछा गया, काफ़ी ज़्यादा कमेंट मेरे वीडियो में आया है कि हमारे डिवाइस में कब जाके रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का नेक्स्ट अपडेट हमें देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कब जाके आपके डिवाइस में रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का नेक्स्ट अपडेट आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ रियलमी नार्सो 30 सीरीज़ के रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 अपडेट रिलेटेड हम बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कस करने वाले हैं आज के वीडियो में। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा इस रिलेटेड भी, तो उसका भी आंसर देने की कोशिश करूँगा आज के वीडियो में, ताकि आपको इनफ इन्फॉर्मेशन मिल जाए इस रिलेटेड क्वेश्चन का। और अगर आपको इस तरह के अपडेट न्यूज़ के ऊपर इंटरेस्ट है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर क्लिक करके रख सकते हो, ताकि इसी तरह के अपडेट की इन्फॉर्मेशन, इसी तरह के अपडेट की न्यूज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हो 8 4G के बारे में, रियलमी 8 4G के बारे में। तो काफ़ी ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा गया है कि रियलमी 8 4G को क्यों अभी तक रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को नहीं मिला। तो इसका सिंपल आंसर है भाई, इसे जो शेड्यूल किया गया है रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 अपडेट के लिए Q2 2023 के एंड में, ठीक है, मतलब Q2 के एंड में जाके आपको जो है अपडेट देखने को मिलेगा। और Q2 का क्या कैलकुलेशन होता है मैंने आपको पहले बता दिया है कि किस हिसाब से आपको अपडेट देखने को मिलता है। ये जो Q1 होता है, Q2 होता है, Q3 होता है, ठीक है, तो Q2 का क्या कैलकुलेशन है मैंने आपको बहुत बार इससे पहले समझाया, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। बट एक बात मैं आपको बता दूँ, Q2 2023 के एंड में आपको रियलमी 8 4G के अंदर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। ये तो मैं कन्फर्मली आपको कह सकता हूँ, 100% श्योर में Q2 2023 के जो एंड है वहाँ पे आपको रियलमी 8 4G के अंदर रियलमी 4.0 एंड्रॉइड 13 का जो ईयर लेक्सेस अपडेट है वो नहीं मिलेगा। उससे पहले ही अपडेट रिलीज हो जाएगा, जैसे कि रियलमी नार्सो 50 के साथ हुआ, उसे नेक्स्ट मंथ अपडेट मिलना था, बट इसी मंथ उसके अंदर जो है अपडेट आ गया, ठीक है, इसी मंथ रियलमी नार्सो 50 के अंदर इसी मंथ ईयर लेक्सेस अपडेट आ गया। वैसा ही होने वाला है रियलमी 8 4G के साथ भी, आपको Q2 के एंड में जाके अपडेट नहीं मिलेगा, उससे पहले ही इसके अंदर रियलमी 8 4G के अंदर रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का जो ईयर लेक्सेस अपडेट है वो रिलीज हो जाएगा, बीटा अपडेट भी रिलीज हो जाएगा और स्टेबल अपडेट भी रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको Q2 के एंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आई होप नेक्स्ट मंथ पे ही आपको जो है रियलमी 8 4G के अंदर जो है रियलमी 4.0 एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिल सकता है ईयर लेक्सेस अपडेट, और उसके बाद नेक्स्ट मंथ में जाकर आपको बीटा अपडेट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अप्रैल मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है रियलमी 8 4G यूज़र के लिए, क्योंकि नेक्स्ट मंथ आप लोगों के लिए जो अपडेट है वो रिलीज़ हो सकता है रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का ईयर लेक्सेस अपडेट। अब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा सवाल मुझसे पूछा गया है कि रियलमी नार्सो 50 के अंदर रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट कब आएगा। दोस्तों बीटा अपडेट मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट मंथ अप्रैल मंथ में जाके ही बीटा अपडेट आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। रियलमी यहाँ पे फास्टली कम कर रहा है इस डिवाइस के ऊपर, तो पहले इसके अंदर ईयर लेक्सेस अपडेट देखने को मिल गया शेड्यूल हिसाब से, उससे पहले ही देखने को मिल गया, तो बीटा अपडेट भी आपको नेक्स्ट मंथ देखने को मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, और बहुत ही जल्दी इसके अंदर स्टेबल अपडेट भी रोल आउट हो जाएगा। तो बीटा अपडेट तो कंफर्म है नेक्स्ट मंथ आपको रियलमी नार्सो 50 के अंदर रियलमी 4.0 एंड्रॉइड 13 का बीटा अपडेट देखने को, वो भी मे बी मिड ऑफ अप्रैल आपको जो है अपडेट देखने को मिल सकता है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्सो 50 के अंदर, ठीक है। तो जब भी मिले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। दोस्तों अब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मुझे पूछा जाता है रियलमी नार्सो 50 4G रिलेटेड, क्योंकि इसके अंदर भी अभी तक रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को नहीं मिला, सेम हाल है रियलमी 8 4G की तरह, और इसका अपडेट भी बहुत ही जल्दी रिलीज होने वाला है, नेक्स्ट मंथ रिलीज़ होगा इसके अंदर अपडेट, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, नेक्स्ट मंथ रिलीज होगा, ये फाइनल है, फाइनल डेट कंफर्म हो चुका है, नेक्स्ट मंथ ही आपको देखने को मिलेगा। और ये मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट मंथ आपको जो है ये एलेक्सेस अपडेट देखने को मिलेगा, उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको अपडेट देखने को मिलेगा। ये मत समझना कि सारे यूज़र को देखने को मिलेगा, सिर्फ लिमिटेड यूज़र के लिए अपडेट देखने को मिलेगा। अगर आप ठीक तरह से अप्लाई करोगे, मैंने आपको बताया है किस तरह से अप्लाई करना पड़ता है, टोटल प्रोसेस मैंने कहा है आपको किस तरह से फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, किस तरह से अप्लाई करना पड़ता है, उसके प्रोसेस मैंने बहुत पहले बता दिया आप लोगों को, तो इसी हिसाब से आप अप्लाई करना, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो और आपको जो है रियलमी 4.0 एंड्रॉइड 13 का अपडेट देखने को मिल जाए। तो नेक्स्ट मंथ रियलमी नार्सो 50 के अंदर जो है रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का ईयर लेक्सेस अपडेट रोल आउट हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद जाके मे मंथ पे जाके इसके अंदर बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट मंथ पे जाके आपको जो है मे मंथ के बाद मतलब जून मंथ पे जाके आपको इसके अंदर रियलमी नार्सो 50 4G के अंदर स्टेबल अपडेट भी देखने को मिल जाएगा रियलमी की तरफ से, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ तो इसके अंदर ईयर लेक्सेस अपडेट रोल आउट हो रहा है, और जब भी रोल आउट हो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। देखिए यूज़र बहुत परेशान है रियलमी C30 को लेके, ठीक है, पहले तो रियलमी C30 को रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 अपडेट के लिए शेड्यूल किया गया था Q3 2023 में, बाद में जाके न्यू रोड मैप जब रिलीज हुआ इस साल का 2023 का, वहाँ पे C30 का नाम विड्रॉ कर लिया गया, वहाँ से आपको देखने को मिलता है कि रियलमी C30 के अंदर रियलमी वाई 4.0 एंड्रॉइड 13 का जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते क्लियरली नाम नहीं है, मेंशन नहीं किया गया, पहले जो था रोड मैप वहाँ पे मेंशन किया गया था,
बट अभी जो है सिर्फ C35, C31 एंड C33 इन तीनों को अपडेट देखने को मिलेगा Realme की तरफ से, एंड्रॉयड 13 अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि Realme C30S एंड Realme C13 दोनों डिवाइस को Realme की तरफ से एंड्रॉयड 13 का कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यह ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है और आपको ये सच मानना पड़ेगा कि अभी जो है Realme C30 एंड C30S को कोई भी एंड्रॉयड 13 का अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट मंथली जो OTA अपडेट है, OTA अपडेट सपोर्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगा, बट कोई भी मेजर अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इन फ्यूचर भी आपको कोई मेजर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ OTA अपडेट जो है वही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और सारे OTA अपडेट्स की न्यूज़ तो हमारे चैनल पर आते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। अब दोस्तों बात करें Realme Narzo 30 सीरीज़ के बारे में, ये बहुत एक मैं कहूँगा Realme ने थोड़ा सा यहाँ पे गोलमाल कर दिया है। ठीक है, बंगाली में कहते हैं ना गोलमाल कर दिया है यहाँ पे। क्यों मैं आपको बता दूँ, Realme Narzo 35G को जो है Realme UI 4.0 बेस Android 13 का स्टेबल अपडेट तो मिल गया है, बट Realme Narzo 34G को कोई भी Realme UI 4.0 बेस Android 13 अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा रियल मी ने कहा है। ना ही बीटा अपडेट मिलेगा, ना ही एलेक्सिस अपडेट देखने को मिलेगा, ना ही स्टेबल अपडेट देखने को मिलेगा। इस तरह के कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलेगा रियल मी नार्सो 34G के अंदर, ऐसा रियल मी ने कहा है। बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, रियल मी सी सीरीज़ के अंदर दो मेजर अपडेट देखने को मिल रहा है, बट रियल मी नार्सो 34G को दो मेजर अपडेट नहीं मिल रहा है। ये जो डिवाइस है रियल मी नार्सो 34G, ये एंड्रॉयड 11 पे रिलीज हुआ था। आई होप एंड्रॉयड 11 पे ये डिवाइस जो है वो रिलीज हुआ था। उसके बाद वन मेजर अपडेट देखने को मिला है 3.0 बेस एंड्रॉयड 12 का, और 4.0 बेस एंड्रॉयड 13 का अपडेट नहीं मिल रहा है इस डिवाइस के अंदर। बट सी सीरीज़ के बारे में बात करें, C35 को एंड्रॉयड 11 पर रिलीज़ किया गया था, उसके बाद एंड्रॉयड 12 का भी मिला, उसके बाद अब एंड्रॉयड 13 का भी मिल रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो सी सीरीज़ के डिवाइस को दो अपडेट मिल रहा है, बट एक नंबर सीरीज़ के Narzo सीरीज़ के नंबर सीरीज़ के डिवाइस को दो अपडेट नहीं मिल रहा है। ऐसा ही हुआ था Realme 6 Pro के साथ भी, वहाँ पे भी वन मेजर अपडेट देखने को मिला था, उसके बाद कोई भी मेजर अपडेट नहीं मिला था। बट यहाँ पे जो है OTA सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा Realme की तरफ से, बट मेजर अपडेट जो है Realme की तरफ से नहीं मिलेगा अभी Realme Narzo 34G के अंदर। ठीक है, ऐसा Realme ने कन्फर्मेशन दे दिया है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ा सा नाइंसाफी नहीं, बहुत नाइंसाफी हुआ है Realme Narzo 34G यूज़र के साथ। और अगर आप Narzo 30 Pro यूज़ करते हो तो आप लोगों के लिए मेरा एक यही आंसर है कि आप लोगों का जो अपडेट क्राइटेरिया था वो फुलफिल हो चुका है, दो मेजर अपडेट मिलना था मिल गया है आपको, और कोई मेजर अपडेट देखने को नहीं मिलेगा। एंड्रॉयड 10 पर रिलीज हुआ था, एंड्रॉयड 11 का मेजर अपडेट मिला है, एंड्रॉयड 12 का मेजर अपडेट मिला है, एंड्रॉयड 13 का अपडेट नहीं मिलेगा। ठीक है, बट Realme Narzo 34G यूज़र आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफी किया है Realme ने, यह मैं खुले आवाज़ में कहना चाहूँगा आप सभी लोगों के साथ। ठीक है, जैसे बंगाली में कहते हैं खोला गोला ही कथा, तो मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा। ठीक है, तो ऐसा ही किया है Realme ने, तो ये मेरे तरफ से एक बैड रिएक्शन है Realme की तरफ कि इस तरह से मत करिए। किसी किसी डिवाइस को दो अपडेट मिलना चाहिए, उन्हें नहीं दे रहे आप, बजट सीरीज़ की डिवाइस को दो अपडेट दे रहे हैं, तो ऐसा मत करिए। सारे डिवाइस को मिल रहा है, ये डिवाइस ने कौन सा गुनाह किया, इन यूज़र ने जिन्होंने ये डिवाइस ख़रीदा है उन यूज़र ने कौन सा गुनाह किया है यहाँ पे। ठीक है, तो उन्हें तो मत इस लिस्ट से निकालिए जहाँ पे आपको सारी डिवाइस में अपडेट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन डिवाइस को क्यों कट कर रहे हैं जहाँ पे अभी तक अपडेट क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं हुआ है। ठीक है, तो ऐसा मत करिए, ऐसा करने से यूज़र का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ख़राब होता है, आपके ऊपर से ट्रस्ट जो है वो हट जाता है, तो ऐसा मत करिए। ये मेरा फीडबैक है आप लोगों के साथ, आपका क्या फीडबैक है नीचे जरूर हमें कमेंट करके बताना। सो फ्रेंड्स, यही आज के वीडियो में, मैं मिलता हूं के साथ एक और नए वीडियो के साथ, इसी तरह के अपडेट न्यूज़ के साथ, और इसी तरह के अपडेट के ना मिलने के खिलाफ प्रोटेस्ट के साथ मैं मिलता हूं के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।